नमस्कार, आप सब दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आज लेकर आई हूँ खस्ता और टेस्टी आलू के समोसे। आलू के समोसे तो आपने खाए हैं और बनाए भी हैं, लेकिन आज बिना मेहनत के हम टेस्टी वाले समोसे बनाने वाले हैं। समोसे बनाने के लिए हमें ये चार आलू की जरूरत है जो उबले हुए हैं और मैंने ऐसे क्रश कर दिए हैं। इसके लिए हमें जो सूखे सामान है, इंग्रेडिएंट है, वो इस प्रकार है। हमें साबुत धनिया चाहिए सूखा हुआ, सौंफ चाहिए छोटी चम्मच, छोटा चम्मच जीरा चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, ये हमें चाहिए जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच हमें धनिया पाउडर चाहिए, एक आधा छोटा चम्मच हमें हल्दी चाहिए, एक छोटा चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए, ये हमें एक छोटा चम्मच अमचूर का लेना है, हमें हरा धनिया चाहिए, ये हमें घी चाहिए जो हम समोसे के लिए खस्ता जो डो बनाने वाले हैं उसके मोयन के लिए, और हमें 1 से 1.5 कप जो है वो मैदा चाहिए, छोटा चम्मच हमें अदरक का बारीक किसा हुआ चाहिए और हरी मिर्ची चाहिए, एक छोटा चम्मच जो है स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे। अब हम समोसे के लिए जो डो बनाना है उसके लिए हमने मैदा इसमें ले लिया है। अब इसमें जो है हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इस मैदे में हम एक छोटा सा होल जो है वेल कुआ सा बनाएंगे गड्ढा, उसमें हम थोड़ा थोड़ा लेकर मोयन हम डालेंगे। कई बार होता है कि हम ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर हम समोसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो हमारा जो मेजरमेंट है कई बार फेल हो जाता है, तो इसके लिए कोई फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी मोयन डालना है, क्योंकि ज़्यादा इशू मोयन का ही है, अगर मोयन आप अच्छे से नहीं डालेंगे तो आपके जो समोसे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हम जितना भी आप मैदा लें बिना मेजरमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि जब भी आप घी या तेल कुछ भी डालें तो उसमें जो है अपन ये बनाएंगे तो ये एक मुट्ठी सी बननी चाहिए, ठीक है। तो आप इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। ये लगभग मैंने 3 स्पून जो है टीस्पून है वो घी डाल लिया है, और इसको अच्छे से मलिए। आप एक हाथ से मलिए या फिर दोनों हाथ ले लीजिए, इसको अच्छे से मल लिए। आपके समोसे कई बार क्या होता है कि ऊपर से ऐसे ना पिंपल टाइप से दिखने लग जाते हैं, फ्राई करने के बाद वो पिंपल से आ जाते हैं, उसका भी जो सलूशन है ना वो मैं आपको इसी रेसिपी में दे दूंगी। ये देखिए, अब ये हमारा जो है ये बनना मुट्ठी शुरू हो गया है। आप इसमें हमेशा जो है ध्यान रखिए कि तेल का मोयन कभी ना दें। आप इसमें हमेशा घी या मक्खन का भी दे सकते हैं, बटर जो है वो आप नॉर्मल वाला उसमें दे सकते हैं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, हमें ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको इकट्ठा ही करेंगे। ऐसे देरों तक 10 मिनट तक आपको गूंदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये जो है इसको इकट्ठा ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा गूंदना नहीं है इसको, ठीक है। तो हल्का हल्का पानी डालते हुए हम इसको गूंद लेंगे। ये देखिए, ये जो आटा है हमने इस प्रकार से गूंदा है। ज़्यादा कुछ मसलने की, ज़्यादा नीड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने आटा जो है, ये मैदा है, वो सिर्फ पानी डाल के बांधना ही है बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे एक गीले कपड़े से ढककर। ये देखिए, हमारा ज़्यादा सख्त डो नहीं है, बस इसी तरह का हमें
दो चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसको गीले कपड़े से ढक देंगे। हमारा तेल है जो गर्म हो गया है, पहले इसमें हम जीरा डालेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना है तेल, जलने नहीं चाहिए हमारे मसाले जो खड़े हैं वो जलने नहीं चाहिए। अब इसमें हम सौंफ डाल देंगे। जो सूखा धनिया है वो हम डाल देंगे, इसको थोड़ा चटकने देंगे। अब इसमें वो अदरक डाल देंगे। अदरक को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ब्राउन हो जब तक। और साथ ही हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी। अब ये जो पाउडर मसाले हैं, मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, ये जो है वो हम सारे डाल देंगे। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, लेकिन हमें मसाले जो हैं वो जलाने नहीं है। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है ना। इसमें अब हम हरा धनिया भी अभी डाल देंगे। ये मसाला जो है हमने तैयार किया है वो हम आलू के जो मिक्सचर है उसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। आलू के चंक्स भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, क्योंकि मसाला तो हमने डाल ही दिया है और वो पूरा मिक्स हो जाएगा। देखिए अगर नमक कम ज़्यादा आपको चाहिए उस हिसाब से आप कम भी और बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारा आलू का जो मिक्सचर है तैयार हो गया है। देखिए कितनी प्यारी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स को समोसों का शेप है वो बनाना नहीं आता, तो वो भी दिक्कत आज मैं आपकी सबकी ख़त्म करने वाली हूँ। और बहुत इजी आसान तरीके से मैं समोसों का जो शेप है वो कैसे बनाते हैं घर में वो मैं बताऊंगी। आप उसके ऊपर प्लीज़ ध्यान देना और ध्यान से वीडियो देखना। ये देखिए हमारा डो जो है वो रेस्ट कर चुका है, इस तरह का हो जाएगा वो, ठीक है, सॉफ्ट भी हो जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा। और हम इसके इतनी इतनी साइज़ की बॉल्स बना लेंगे, क्योंकि हमें थोड़े मीडियम ही जो है इसको, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं गूंदा था, इसको बांध के ही हमें गूंदना। इस एक पेड़े में, एक लोई में जो है बॉल में वो दो समोसे बन जाएंगे। ये देखिए हमारे ये 6 बॉल बनके तैयार हो गए हैं और इनके हमारे 12 समोसे आराम से बन जाएंगे। हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है जिसमें हम अपने समोसे हैं वो फ्राई करेंगे। और अब हम ये बॉल है इसको बेलेंगे, इसको हम राउंड शेप में नहीं थोड़ा लंबा बेलेंगे। इसके लिए हमें कोई घी, तेल या फिर मैदा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ बॉल रखिए
और उसको घुमाते हुए बेलिए। हमारा जो है ये लंबा शेप में होना चाहिए। आप कितना भी इसको कर लेंगे इजीली निकल के आ जाएगा, तो आप जितना जोर है कोई बात नहीं लगा सकते हैं, समोसे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अब हलवाई जैसे एक बढ़िया नामी ग्रामी जो समोसे बेचने वाला है ना, उससे भी अच्छे आप समोसे घर पे बना सकते हैं। अब ये हमने इस शेप में है, लंबाई में बेल लिया है, ठीक है। और ये जो पतला इतना होना चाहिए, ज़्यादा पतला ज़्यादा मोटा वो सही नहीं है, इतनी परत ठीक है। अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। अब हम इसे एक हथेली पर यूं रख लेंगे और थोड़ा सा तेल का जो है सॉरी पानी का जो है वो उंगली पे लगा के हम इसको यूं, अब इसको एक तरफ यूं और एक यूं, ये हम इसको एक कोन शेप में बना लेंगे। नीचे का जो है वो अच्छे से हम लॉक कर लेंगे, सील कर लेंगे। ये पानी से आसानी से ये जो है वो कोन आपकी बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है हम ये जो समोसों का जो मिक्सचर है वो हम आराम से इसमें भर देंगे। दबा दबा के आप इसको भर लीजिए और इतनी जगह आपको छोड़ना है, क्योंकि इसको सील करने में हमें थोड़ा सा जो डो है ना उसकी परत चाहिए, नहीं तो आपके जो समोसे हैं वो फट जाएंगे और निकल जाएंगे। अब कई बार है हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छी तरह से समोसों की शेप ही नहीं बना पाते, तो अब हम शेप क्या बनाएंगे। आप ये लाइन जो है जहाँ पे हमने इसको सील किया है ना, इसको सील किया है, इधर से अब हम एक छोटा सा यहाँ पे प्रेस कर दें, इसके सामने की तरफ हमें इसको प्रेस कर देना है। हल्का इसको इसके अंदर हमें जो है वो पानी का लगाना है और इसको यूं घुमा के इस वाले जो फोल्ड को हमें यूं घुमा के यूं कर देना है। ये देखिए हमारा बन गया ना समोसा, एकदम बाजार वाला, देख रहे हैं आप शेप। ये देखिए पीछे से भी कितना बढ़िया शेप है। आप इसको अच्छे से रख के घुमा के आप ये देखिए क्या बढ़िया शेप है। आप इन समोसों को आपको फिल करके आपको ना लगभग 10 मिनट का रेस्ट और देना है, ताकि जो आपके जो आप फ्राई करेंगे उसमें वो पिंपल से आ जाते हैं ना आपके फ्राई में, वो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। वो ना हमारे हलवाई का जो है ना वो पूरा लुक जो है वो हम इस समोसे में इसी कारण आएगा कि आप ये फिलिंग करके समोसों को आप रेस्ट देंगे कम से कम 10 मिनट 20 मिनट हो तो और भी अच्छा है। ये देखिए हमने कोन बना दिया, इसमें हम ये जो फिलिंग है आलू की वो हम मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा खाली रखना है हमें, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। अब एक हल्का सा उंगली लेंगे जहाँ पे ये नोक है उसके ठीक पीछे आपको ये इतना सा फोल्ड देना है, ठीक है। फोल्ड दिया फिर इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया, यूं दिख रहा आपको। उसके बाद इसको हमें यूं दोनों कोनों को मिला देना। ये देखिए आपका एक्चुअल जो समोसा है वो शेप का जो दिक्कत है ना आपकी वो सारी अब ख़त्म हो जाएगी। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए कितना प्यारा समोसे का जो शेप है, मैंने ये छोटे समोसे बनाए हैं, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जितना आप चाहे अपना शेप दे सकते हैं। ये देखिए ये अभी सारे समोसे बनके रेडी हो गए हैं। अब इन समोसों को हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, इसके लिए हम इनको ढक के रखेंगे।
इसको हम ढक के रख देंगे। अब हमारा जो ऑयल है वो तैयार हो गया। ये देखिए मैंने छोटा सा बॉल डाला था, वो बहुत टाइम के बाद ऊपर आया है, मतलब हमें मीडियम फ्लेम है ना, मीडियम जो तेल है, ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना और ज़्यादा कम भी नहीं रखना है। अब हमारे जो ये समोसे जिनको हमने रेस्ट दिया था बना के, वो अभी तैयार है। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें एक एक करके समोसे डालते जाएंगे। आप उतने समोसे डालिए जितने इसमें भीग जाएं अच्छे से, मतलब तेल में डुबो ये जाएं, ज़्यादा मतलब कम तेल ना हो, अच्छे से डूबने चाहिए। ये देख लीजिए, अब आप इसमें 5 समोसे भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो और 10 भी डाल दो, जैसे आपके कढ़ाई का आकार है। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है इस वजह से। और इसको बीच बीच में से आपको चलाते जाना है, क्योंकि आप अगर चलाना छोड़ देंगे तो इनमें क्या है, वो नीचे का जो परत है ना उसका वो आ जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा सेट होने दीजिए अपने समोसों को, उसके बाद आप हल्के हल्के इसको हिलाकर घुमाते रहिए। अब ये देखिए हमारे जो समोसे हैं ना, इनकी जो परत है देखिए एकदम साफ सिंपल आ रही है, इसमें कहीं भी बबल नहीं बने, पिंपल टाइप नहीं बने, ऐसे फूले हुए कहीं पे दाग टाइप नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये है कि हमने अपने समोसों को पूरा रेस्ट दिया है भरने के बाद, फिलिंग के बाद में, और हमने एकदम गर्म तेल में जो है समोसे नहीं डाले। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है, आपको जब भी क्रिस्पी कोई चीज़ बनानी है तो आपको मीडियम जो आंच है, मीडियम जो तेल गरम है उसी में डालने हैं। ये देखिए बबल इतने ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखो फ्राई कर रहे हैं और हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनने वाले। ये देखिए कैसे फ्लोट कर रहे हैं ये, है ना। लगभग 10 मिनट के बाद में, 10 से 12 मिनट आप देख लीजिए, जैसा आपका बैच है उसी हिसाब से आपका जो है ये टाइम लगेगा। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कोई भी इसके ऊपर बबल नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम जो हलवाई वाले समोसे होते हैं ना वो, उस हिसाब से हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमारे ये समोसे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए इस पे ना कोई पिंपल है ना ही कुछ, खाने में क्रिस्पी। आप ये तोड़ेंगे तो ये देखिए कितना टेस्ट भरा हुआ है, वाकई में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तो आप भी अपने घर में ट्राई करिए और इंजॉय कीजिए। और जिन जो जो व्यूवर्स मेरे नए हैं चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। आपको जो भी कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।